चलो गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग है। चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, सो लेट मी टेल फ्यू पॉइंट्स, लेट मी टेल ऑल ऑफ यू फ्यू पॉइंट्स, ये कि क्या पॉइंट्स है जो तुमको यहाँ पे हेल्प करेंगे अपने प्रोफाइल इंप्रूव करने में। ओके, स्पेशली इनको गैप ईयर्स वगैरह है तो उनको बेसिकली क्या करना चाहिए। देखो अंडरस्टैंड दिस गाइस, यहाँ पे दो तीन चीज समझना है यहाँ पे, ठीक है। लेट मी आई टेल यू, ठीक है। सो बेसिकली फर्स्ट ऑफ ऑल दोज पीपल, ओके लेट मी टेक टेक आउट योर प्रोफाइल। ओके, जो भी आपका प्रोफाइल है, हाँ, फॉर आपको बेसिकली वो आपको इम्प्रूव किस किस चीज के लिए करना है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे दो चीजों के लिए, यहाँ पे दो एस्पेक्ट होना चाहिए, ठीक है। दो एस्पेक्ट बेसिकली क्या होता है प्रोफाइल इंप्रूवमेंट का। फर्स्ट एस्पेक्ट इज कि जब आप एमबीए इंटरव्यूज दोगे, है ना, जब आप एमबीए कॉलेज के लिए इंटरव्यूज दोगे, राइट। तो एमबीए कॉलेज के लिए जब इंटरव्यूज कब दोगे, तो वो आप दोगे नेक्स्ट ईयर अराउंड फरवरी मार्च में, है ना। तो आप जब इंटरव्यूज दोगे, जैसे बी गिविंग इन जनवरी एंड एंड फरवरी, मोस्ट ऑफ द टाइम जनवरी एंड एंड फरवरी एंड मार्च भी होता है। ओके, नॉट ऑफ इंटरव्यूज इन मार्च आल्सो। ओके, सो जैन, तो बेसिकली जब आप यहाँ पे कॉलेजेस के लिए, व्हेन यू आर गिविंग दिस इंटरव्यू हियर, ठीक है, नहीं नॉट नीडेड, आई डोंट, जस्ट फोकस ऑन पर्सनल राइट नाउ। ओके, सो एमबीए इंटरव्यूज व्हेन यू आर गिविंग इन जैन एंड एंड फरवरी, दैट इज जैन एंड व्हिच ईयर, आई टॉकिंग अबाउट 2024, राइट, है ना, 2024। ओके, एंड सेकेंड चीज कब होगा, तुमको दो चीजों का ध्यान रखना पड़ता है अभी से। ओके, सेकेंड चीज यू नीड टू पुट अटेंशन इज दैट फॉर अराउंड सितंबर टू अक्टूबर 2024, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा लॉन्ग टर्म विजिबिलिटी होनी चाहिए हमें, नहीं तो क्या होता है ना कि अदरवाइज वी जस्ट बी दैट रैट रेस और कुछ करेंगे नहीं हम। ओके, सो वी हैव टू बी आउट ऑफ दैट रैट रेस एक्चुअली। तो सितंबर एंड अक्टूबर 2024 में, राइट, जब आपका एक्चुअल आप एमबीए कॉलेज में एडमिशन ले चुके होंगे, है ना, और इस टाइम क्या हो रहा होगा, इस टाइम आपके कॉलेज में समर प्लेसमेंट्स के लिए सीवी बन रहा होगा, वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। ओके, तो समर प्लेसमेंट्स के लिए आपके लिए सीवी बन रहा होगा कब, सितंबर अक्टूबर 2024 में। ओके, आई एम टॉकिंग अबाउट नेक्स्ट ईयर, राइट। तो इन दो चीजों के लिए ना अभी अभी से काम करना पड़ता है, बिकॉज ऑब्वियसली कैट प्रिपेयर प्रिपेयर करना है तो इट्स ऑलरेडी अ गुड ह्यूज टास्क। ओके, तो इतना हम जल्दी जल्दी नहीं कर पाते हैं, राइट। तो लेट मी फर्स्ट एक्सप्लेन पॉइंट नंबर वन कि पहले हमें क्या करना चाहिए। पॉइंट नंबर वन, पॉइंट नंबर टू दोनों के लिए काम स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आई स्टार्ट विद पॉइंट नंबर वन है। गुड इवनिंग है सबको, गुड इवनिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल आई स्टार्ट विद पॉइंट नंबर वन ईयर, ठीक है ना। पॉइंट नंबर वन इज बेसिकली कि जब आप एमबीए इंटरव्यूज के लिए अपना, एमबीए कॉलेज के इंटरव्यूज के लिए अपना सीवी दोगे तो। ओके, अंडरस्टैंड इसका। तो अब ना इसको हम लोग बेसिकली दो पार्ट में करेंगे, जिनका गुड इवनिंग, गुड इवनिंग गाइस, जिनका लगातार 2 साल गैप ईयर है। तो गाइस हु हैव गॉट मे बी 1 ईयर गैप ईयर, 2 ईयर गैप ईयर, राइट। तो देखो उन लोग को ना यहाँ पे इनको दो चीजों में डिवाइड करना है आपको, इनको प्रिपरेशन को, ठीक है। जब भी आप एमबीए कॉलेजेस का इंटरव्यूज दे रहे होगे, तो एक हम थोड़ा अपना सीवी पे काम या प्रोफाइल पे काम कब करते हैं, आफ्टर द एग्जाम गेट फिनिश्ड। ओके, तो एक तो हम लोग दिसंबर के ऑनवर्ड, दिसंबर में मतलब आफ्टर कैट, ठीक है, आफ्टर कैट एंड जब जैट खत्म हो जाता है, तो जो बचते हैं ना 1 से 2 महीने, ठीक है, तो इन 1 to 2 months में वी ट्राई टू एड अ लॉट ऑफ पॉइंट इन सीवी। तो हम बहुत सारा पॉइंट सीवी में ऐड कर रहे होते हैं यहाँ पे इन दिस 1 to 2 months, ठीक है, वैसा बता रहा हूँ। एंड बट अभी हमारा, अभी हमें काम करना पड़ेगा फ्रॉम नाउ टिल कैट, ठीक है, नाउ ऑनवर्ड्स टिल कैट, ठीक है, ये हमें फोकस करना है। ओके, और ऑल आर गेटिंग द पॉइंट, मैं बेसिकली क्या बोलना चाह रहा हूँ, ठीक है। बेसिकली मैं जो लोग भी लेट ज्वाइन किए, मैं बेसिकली उन लोगों को ये बोलना चाह रहा हूँ, ठीक है, जो लोग भी लेट ज्वाइन किए, अरे सुन लो पहले तुम्हारा, अगर हरिओम तुम, अगर तुम्हारा बात सुनेंगे तो तुम बताओ किसका बात इंपॉर्टेंट है, मेरा बात के तुम्हारा बात ज्यादा इंपॉर्टेंट, मेरा अभी मेरा ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, तुम्हारा भी सुनेंगे। ओके, हो जाता है कि तुम्हारे बाद मेरी बात तो तुम्हारा बात कवर हो जाए। ओके, तो इसलिए सुन रहा है यहाँ बेटी मैं जो बोल रहा हूँ। ओके, तो मैं बेसिकली तुम लोग क्या बताना चाह रहा हूँ, जो लोग भी लेट ज्वाइन किए, आई एम ट्राइंग टू से सर, सर मेरा सर आपका क्या, सर आप क्या बोल रहे हो, आप तो आपका वो इतना पॉइंट नहीं, बात मेरा बात सुन लो, पूरा स्टूडेंट सक्सेसफुल हो जाएगा, ठीक है। इसे इसे बीच में नहीं आगे, नहीं सर मैं, सर बोलूंगा, मैं बोलूंगा। देखो तो मैं क्या बोल रहा था यहाँ पे, तो बेसिकली मान लो मैं जो लोग भी लेट ज्वाइन किए, तो मैं हमें हम यहाँ पे दो चीज बात कर रहे थे, तो वी आर टॉकिंग अबाउट टू थिंग्स हियर राइट नाउ। फर्स्ट थिंग इज दैट वी नीड टू, और देखो मैं ना तुम लोग को पूरे साल ये कॉन्स्टेंट पुश देते रहूंगा, ये नहीं कि मैंने आज ये सेशन ले लिया तो ले लिया, ठीक है। इवन आई एम में जाने के बाद लोग मुझसे डांट सुनते हैं, आई एम कोझीकोड में चला गया बंदा जाके, सर आई एम कोझीकोड हो गया, सर रिलैक्स हो गया, 3 4 महीने डांटा है मेरे, इतने जोर से दो लोग ना, दोनों ने एनरोल किया सीएफए में,
आई एम कोयोटा फाइनेंस में थे वो लोग, ठीक है, तो वो लोग आई एम में जाने के बाद भी लूट डांट सुनते रहते हैं मुझसे, तो लोग फिर भी डेली मिलोगे मुझसे लाइव क्लास में, ओके। तो ये दोनों साल भर मैं कॉन्स्टेंट पुश देता रहूंगा यहाँ पे, ओके। तो मैं वैसे बेसिकली तुम लोगों को क्या बोल रहा था कि एमबीए जब भी हमें दो चीजों के लिए, अभी से हमारे माइंड में क्या है, ओके, हमारे माइंड में क्या चल रहा है, तो बोलोगे सर वैलेंटाइन डे, वो खत्म हो गया, ओके। अब हमारे माइंड में क्या चल रहा है, तो हमारे माइंड में चल रहा है कैट 2020, एक हमारे क्या चल रहा है कैट 2023, ठीक है। ये फर्स्ट चीज माइंड माइंड में चल रही है, राइट, ऑब्वियसली खत्म हो गया ना। ये फर्स्ट चीज माइंड में चल रहा है कैट 23, ओके। सेकंड चीज माइंड में क्या चल रहा है, उसके बाद इंटरव्यूज कि अगर अच्छा पर्सनल इंटरव्यू सिलेक्शन होना चाहिए। और थर्ड चीज जो माइंड में नहीं चल रहा है बट चलना चाहिए, जो बट चलना चाहिए इज सेप्टेम्बर अक्टूबर टाइम ऑफ 2024, जो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, जो मैंने लिखा है यहाँ पे, सितंबर, जब तुम्हारा, जब तुम कॉलेज में इंटर कर गए होगे और तुम्हारा समर प्लेसमेंट की सीवी बन रही होगी यहाँ पे, तुम्हें ये सोचना चाहिए, अदरवाइज फिर जाके वही होगा सर सब कुछ कर ले, वहां प्रॉब्लम हो जाएगा, तुम्हें देखना पड़ेगा यहाँ पे। अरे तो अब जैसे मानो तुम्हारा यहाँ पे क्या है, कैट 23 और इंटरव्यूज जब हम सोच रहे हैं, तो अब हमें ना अब्रो के साथ प्रोफाइल पे कैसे वर्क करेंगे अपॉइंट करके। तो देखो हमें ना अपना बेसिकली जो एक सबको ही, फर्स्ट ऑफ ऑल सबको बोल रहा हूँ मैं, सब कोई, ऑल ऑफ यू, जिस जो लोग फ्रेशर हो, जिससे कभी आज तक जॉब के लिए अप्लाई नहीं किया है या जो भी है, फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू मेक योर सीवी, ठीक है, अपना एक सीवी बनाइए, ऑल ऑफ यू मेक अ सीवी, ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल ऑफ यू मेक अ सीवी, ओके, सीवी बनाइए अपना। मैं एक सैंपल सीवी ग्रुप में डाल दूंगा, ठीक है, अभी मैंने बहुत लोग का सीवी देखा है अभी डीडीपीआई के प्रिपरेशन में, तो आई पुट अ सैंपल सीवी इन द ग्रुप, ओके। तो थोड़ा उससे आइडिया लेके अपना एक सीवी बनाना है, सबको बनाना है सीवी, ओके, ठीक है, हाँ ठीक है, आई गिव अवे। तो अब ना हमें यहाँ पे सबको बनाना है सीवी, ओके, आई पुट अ सैंपल, मैं डाल दूंगा एक सैंपल सीवी। जैसे सैंपल सीवी देखा ना, सीवी का रिज्यूमे ऐसे होता है, आपका नाम ये वो अकेडमिक्स ऑल दोस स्टफ, राइट, आई पुट अ सैंपल सीवी, ओके, मैं तुम लोग डाल दूंगा। अब ना इस सीवी को तुमको, अब तुम्हारा जब तक सीवी बनाओगे नहीं, ठीक है, तब तक तुमको यहाँ पे इतना स्ट्रांग नहीं करना होगा यहाँ पे, ठीक है, तो बता रहा हूँ, ठीक है, तुम स्ट्रांग करने का सोचोगे नहीं उसको। अब जब तुमने सीवी बनाओ तो बोलेगा यार मेरा जो सीवी है ना इट लुक्स अ बिट वीक, ठीक है, क्योंकि सीवी को ज्यादा, बहुत लोगों का प्रोफाइल अच्छा होगा, अरे आई गिव एवरीथिंग यार, तुमको इतने बड़ा ग्रुप ही समझ में आया कि सर विच ग्रुप, बाकी सब इंपॉर्टेंट नहीं है, बस एक ग्रुप इंपॉर्टेंट है, तो ग्रुप का लिंक दे दीजिए, बाकी सब देख लेंगे कदम, सुनो तो बात ना, ठीक है। तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि जब फर्स्ट ऑफ ऑल मेक योर सीवी, ओके, उसके बाद आपको लगेगा कि अगर आपका बेसिकली प्रोफाइल अच्छा नहीं है या आपने बहुत ऐड नहीं किया, तो को लगेगा यार ये मेरा सीवी वीक है, हाँ, इस सीवी को मैं आई कैन नॉट पुट इन बिग कंपनीज, राइट, बट अभी तो कोई बात नहीं है, बिग कंपनीज कब आएगी, सितंबर अक्टूबर 2024 में, हाँ, या इस सीवी को मेरे को कब शो करना पड़ेगा इंटरव्यूज में, कब, एक साल के बाद। तो अगर मेरा सीवी वीक है तो मुझे इस पर काम करना चाहिए, तुमको पहले ये फील आएगा, ऐसे तो लोगों को ये फील आता ही नहीं अभी तक, तो बहुत लोगों में बोलते रहा लास्ट ईयर सीवी कब बनाया, जाके जनवरी बना रहे सीवी, एमबीए इंटरव्यू आ गया, आई एम अमृतसर में बोला कि सीवी चाहिए मेरे को, आई एम अमृतसर इंटरव्यू था, सर मेरे का सीवी बना रहे, सर सीवी कैसे बना, सीवी कैसे बनता है, ये काम पहले ही कर लेना चाहिए, तो उसमें ऐड कर पाओगे ना, ओके। अब इसके बाद एक अच्छा सीवी का पता है मतलब क्या होता है, मेरे को गुड सीवी, राइट, तो आपको अपने प्रोफाइलिंग पे वर्क करना पड़ता है। अब देखो प्रोफाइलिंग पे वर्क करने का कुछ तरीका तो बताता हूँ मैं, तो प्रोफाइलिंग पे वर्क करने का तरीका बेसिकली क्या है, जिनका भी स्पेशली गैप ईयर है, जो लोग भी 23 में ग्रेजुएशन कर रहे हैं, ठीक है, 23 में ग्रेजुएशन कंप्लीट होगा, उसको ऑन उसको एमबीए में गैप ईयर नहीं मानते, ठीक है, सो उनको, आप लोगों को नहीं डरना है, जस्ट थोड़ा सा प्रोफाइल पे काम कर सकते हो, बट ये गैप ईयर नहीं डरना है आपको, ओके, कि सर कोई गैप ईयर मेरा नॉल दैट, दिस इज नॉट अबाउट एनी गैप ईयर, ओके। तो ये प्रोफाइलिंग पे वर्क, जो 23 का ग्रेड खत्म हो रहा है, ये गैप ईयर नहीं मानते, इस पे कोई इशू नहीं है, इट्स नॉट अ गैप ईयर, ओके तो अरे सुनो तो जो बता रहा हूँ, ओके। अब इसके बाद क्या होता है ना, जब तुमने ये चीज स्टार्ट किया, अब इसके बाद जिन्होंने, जिनका गैप ईयर चल रहा है, कब गैप ईयर चल रहा है, तो आपका गैप ईयर चल रहा है 2022 में एंड 2021 जो लोग पास किए होंगे, तो अब अगर आपके पास गैप ईयर को फिल करने का सबसे बेस्ट तरीका क्या होता है, जॉब होता है, राइट, जॉब होता है सबसे बेस्ट तरीका, इज जॉब। सो अगेन जॉब इज द आइडियल थिंग, वेट सुनना यहाँ पे, सबके लिए बता रहा हूँ, सो जॉब इज द आइडियल थिंग, बट ना लाइफ में हमेशा सब कुछ आइडियल नहीं होता, क्योंकि अगर आपने जॉब किया है दो तीन जगह, तो आपको क्या, आपका पास ये दो तीन प्रोडक्ट आपने काम किया है, तो सीवी में काफी कुछ लिखने को रहता है अबाउट योर वर्क एक्स, राइट, ठीक है, तो उससे सीवी अच्छा बनता है, बट इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है, क्योंकि आप देखोगे तो आई एम्स में 41 लोग फ्रेशर रहते हैं,
तो जो लोग 45 लोग फ्रेशर रहते हैं आईएम में, उनके पास तो कोई जॉब नहीं है ना, तो वो लोग बेसिकली, वो लोग उनका आईएम नहीं होता है, बिल्कुल होता है। तो थोड़ा यहाँ पे अपने प्रोफाइलिंग पे वर्क करना होता है, बोलो कि ठीक है जॉब इज द आइडियल थिंग, अगर जॉब मिल गया तो साथ में पेपर के लिए बेस्ट थिंग, राइट। बट बहुत लोग जॉब के साथ मैनेज नहीं कर पाते, बहुत लोग अच्छा जॉब नहीं मिलता, रिलेवेंट जॉब नहीं मिलता, राइट। अब कॉल सेंटर में जॉब करके थोड़ी ना फायदा होगा, कोई फायदा तो होगा नहीं, ओके। तो अब इसके बाद सेकेंड चीज, अगर आपके पास जॉब अगर नहीं मिला तो उसका क्या करोगे, तो अपने प्रोफाइलिंग पे वर्क करोगे। देखो प्रोफाइलिंग पे वर्क करने का क्या मतलब होता है ना, जिन लोग भी स्पेशली जिनका भी 1 से 2 साल का गैप ईयर हो रहा है, तो गाइस जिनका भी 1 से 2 साल का गैप ईयर हो रहा है, ठीक है, एक बहुत अच्छी साइट आती है इंडीड, ठीक है, एक साइट होती है इंटर्नशाला, ओके। इन चीजों पे ना आपको यहाँ पे कुछ इंटर्नशिप्स मिलते हैं, यू गेट सम इंटर्नशिप्स हियर, राइट। अब ध्यान देना यहाँ पे इंटर्नशिप्स ना आपको यहाँ पे ज्यादा सीवी स्ट्रॉन्ग करेंगे चाहिए, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या होता है, छोटी छोटी चीजें मैटर करती है। किसी बंदे ने, मान लो किसी ने बोलोगे सर मैंने पूरे 6 महीने का 4 2 इंटर्नशिप किया है, तो अगर 6 मंथ्स का 2 2 2 इंटर्नशिप किया है तो आपके सीवी में लिखने के 2 इंटर्नशिप होगा वहां पे, ऑब्वियसली ना, 2 इंटर्नशिप दो ही लिखोगे। बट मान लो किसी ने यहाँ पे क्या बोला, नहीं सर हमने क्या किया है, हम यहाँ पे वन एक एक मंथ का 3 इंटर्नशिप कर लेंगे, या एक एक मंथ की 4 इंटर्नशिप कर लेंगे। तो ये तो इंटर्नशिप ज्यादा अच्छा है ना यार, ठीक है। अब बोलोगे कि अगर मैं 1 मंथ की 4 इंटर्नशिप कर लूं, यस, तो मैं क्या बोल रहा था, तो आप बोलोगे 1 मंथ की 4 इंटर्नशिप कर लेते हैं ज्यादा फायदा होगा, या 3 कर लेते हैं ज्यादा फायदा होगा। आपको वहां पे लिखने के लिए पॉइंट्स चाहिए ना, तो कुछ पॉइंट्स लेने का फायदा होगा वहां पे। तो छोटी छोटी इंटर्नशिप्स मैटर करती है, राइट। अब जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल क्या हुआ था, अभी बहुत लोगों का दिसंबर में एमबीए हो गया है ना, अब दिसंबर में एमबीए हो गया, बहुत लोगों ना एसपी जैन से कॉल आ गया था, अब सर एसपी जैन ना आपको स्ट्रीम बेस्ड कॉल करता है, सर फाइनेंस से कॉल आ गया, हम क्या है सर हम इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं, बट वे का फाइनेंस से कॉल आ गया। अब इलेक्ट्रिकल इंजीनियर से फाइनेंस स्विच करने के लिए तो कुछ दिखाना पड़ेगा ना यार, पहले इंटरव्यू कब है, सर बोला इंटरव्यू सर 20 फरवरी को है, अभी क्या है दिसंबर है। उसके बाद मैंने क्या किया है, इन 2 मंथ्स में मैंने उनको उसको इतने सारे यूडेमी से ना, यूडेमी से एंड कोर्सेरा से छोटे छोटे इतने मैंने उसको कोर्सेज करा दिए है ना, ठीक है, बहुत छोटे कोर्सेज होते हैं, मतलब तो बोलेगा ना कितने कोर्स है, 12 घंटे का एक पूरा कोर्स ही है, एक कोर्स कितने का है 8 आवर्स का, एक कोर्स कितने का है 16 आवर्स का, एक कोर्स कितने का 20 आवर्स का, एक कोर्स कितने का 10 आवर्स का, समझ रहे हो, स्मॉल कोर्सेज है, बट ना सीवी में लिखने के लिए और बात करने के लिए काफी अच्छी अच्छी पॉइंट है यहाँ पे, राइट। अब तुम लिखोगे कि तुमने यहाँ पे, अब तुम उसको लिखते क्या सीवी में, यू हैव डन इंटर्नशिप ऑन फाइनेंशियल मॉडलिंग एंड दिस, एंड यू हैव डन सर्टिफिकेशन ऑन दिस। हाँ, अब तुमसे पूछेंगे वहां पे इंटरव्यू में, तुमको नॉलेज, अब बहुत बहुत डीप तो पूछेंगे नहीं, बट तुमको नॉलेज होगा उसके बारे में, है ना। तो ये चीज मैटर करती है कि अब बेसिकली क्या, अभी मान लो अभी क्या चल रहा है, अभी मई चल रहा है, अभी क्या चल रहा है, सॉरी फरवरी चल रहा है, मई तक आते आते जब आप फैब से मई पहुंचोगे, हाँ इन नेक्स्ट 3 मंथ्स, तो फैब से मई आते आते इन नेक्स्ट 3 मंथ, जब अभी भी कैट क्या होगा 6 महीने दूर होगा, अभी भी कैट 6 महीने दूर होगा, ठीक है। फैब से मई आते आते आप ना दो तीन चीजें ऐड, दो तीन पॉइंट अपने सीवी में ऐड कर लोगे, राइट। तो एक तुमने किसी कोई 8 घंटे का कोर्स कर लिया, तुमने एक 12 घंटे का कोर्स कर लिया, छोटे छोटे कोर्सेज को तुमने तो सीवी अच्छा बना दिया, तुमने लिखा कि मैंने ये किया तो सीवी में, राइट, लिखोगे ना कि आप डन, मान लो किसी कोई बंदा लिखे, मान लो किसी ने कोर्स किया डिजिटल मार्केटिंग का, तो अपने सीवी लिखेगा ना, सीवी में ऐड होगा ना अपने प्रोफाइल में कि आप डन कोर्स ऑन डिजिटल मार्केटिंग एंड एनालिटिक्स एंड आई लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स अबाउट दिस थिंग, तुमको बात होगा वहां इंटरव्यू में करने के लिए, तो सीवी अच्छा बन रहा है, इट इज पॉइंट, राइट, ठीक है। हाँ भाई सर, उसके बाद जब तुम्हारा कैट 6 महीना दूर है अभी, फिर तुमने एक आध कोर्स जून में कर दिया, फिर तुमने एक आध कोर्स अगस्त में कर लिया, फिर तुमने कोर्स बंद कर दिया, तो अगस्त आते आते तुमने अपने सीवी में 4 से 5 अच्छे अच्छे चीजें ऐड कर ली, गुड थिंग्स यू हैव एडेड, राइट, दैट इज लाइक मेकिंग योर सीवी स्ट्रॉन्ग। तुम्हारा क्या सीवी क्या बन रहा है, हाँ बिल्कुल सबका सर्टिफिकेट मिलता है, ओके, तो तुम्हारा सीवी क्या बन रहा है, तुम्हारा सीवी यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बन रहा है, ठीक है। तुमने बोले बोला कि सर मैंने मैंने यहाँ पे क्या किया, कोई बोलेगा मैंने सर मैंने एक्सेल पे काम कर लिया, मैंने एक्सेल सीख लिया, पूरे एक्सेल का मैंने सर्टिफिकेशन ले लिया, एक्सेल सीख के एक मेरे को मिल गया अच्छा सर्टिफिकेट, मेरे को एक्सेल बहुत हद तक आता है, तो तुम इसको सीवी में ऐड करोगे ना, इन चीजों को सीवी में, बोलो।
आ रहा बता रहा हूँ, ठीक है, ये चीज ऐड करोगे ना यहाँ पे, ठीक है, तो इससे समझ रहे हो क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं, लॉजिक क्या बोलता है, राइट। एमबीए कॉलेज क्या चाहता है, डिफरेंट चीज है। लॉजिक हमारा क्या बोलता है कि हम अपनी सीवी को स्ट्रॉन्ग बना रहे हैं कुछ कुछ पॉइंट्स ऐड करके, राइट। हम अपने गैप ईयर को भी कवर कर रहे हैं कुछ कुछ पॉइंट्स ऐड करके, ये मेरा गैप ईयर, बट मैंने गैप ईयर में बहुत सारे स्किल्स सीखे हैं अपने गैप ईयर में। बहुत स्किल नहीं होगा, देखो इंटरव्यू कितने का होता है, 15 मिनट का, तुमसे 15-20 मिनट से क्या ही पूछ लेंगे इंटरव्यू में, राइट। बट व्हेन यू राइट दो सेवन, अब तुमको तुमने तुमने अपने सीवी में 7-8 चीजें लिखी है, ठीक है, 7-8 थिंग्स, राइट। तो उसके बाद तुमसे क्या पूछेंगे, कोई 2-3 चीज उठा के पूछेंगे इंटरव्यू में, उसका बेसिक 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 बेसिक, राइट। बट हमें तो नॉलेज है, हमारा सीवी अच्छा बन रहा है, और ये कब, ये तब भी काम आएगा, ये कब काम आएगा, ये तब भी काम आएगा कि जब आपका समर प्लेसमेंट होगा, है ना, कब, जब कॉलेज में जाओगे। तो अब एग्जैक्टली अब उसके लिए अभी ना यहाँ पे और भी करने का टाइम है। अब जब आपके पास क्या होता है, अपना मार्च, अपना बिल्कुल फैब के बाद आप बिल्कुल फ्री हो जाते हो, समझ लो क्या होता है, सुन लो ना, मैं कमेंट बिल्कुल नहीं पढ़ रहा, ठीक है। अब फैब के बाद बिल्कुल फ्री हो जाते हो, क्योंकि फैब में सारे इंटरव्यूज खत्म हो गए, राइट। और कॉलेज स्टार्ट होता है जुलाई में, तो यहाँ ना आपके पास 4 महीने टाइम होता है, फ्रॉम फेब्रुवरी टू जुलाई, अगेन 4 महीने का टाइम होता है, 4 मंथ्स का। इस 4 मंथ्स में ना आप अपने सीवी को बहुत अच्छा बना सकते हो ना, यू कैन डू लॉट ऑफ स्मॉल सर्टिफिकेशंस, राइट। हाँ, यू कैन डू लॉट ऑफ स्मॉल सर्टिफिकेशन इन दैट पीरियड, ओके। जैसे किसी को बताया कि मेरे को सर, मेरे को एमबीए करना है फाइनेंस में, तो सीफे में इनरोल कर लेता है कि बाद में करनी है अभी कर लेते हैं, 4 महीना फ्री पर काफी कुछ पढ़ लेंगे। कोई लोग क्या करते हैं, किसी को होता है कि मुझे मार्केटिंग में करना है, तो मार्केटिंग का और 6-8 चीजें कर लेते हैं, यूडेमी यूडेमी से, कोर्सेरा से, गूगल से कर लेते हैं, बहुत सारी चीजें पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो अपने अपने बिजनेस सीवी का क्या करें, सीवी का वेट बढ़ा रहे हैं, राइट। तो इसका फायदा बेसिकली क्या होता है, इसका फायदा बेसिकली क्या होता है कि अब जब तुम मान लो एम कर रहे हो 99.7 का, तुम एग्जाम में, तुम कैट में क्या एम कर रहे हो, 99.7 का एम कर रहे हो, ठीक है। अब इसके बाद क्या होता है ना, अगर एम तो करो ठीक है, मान लो सपोज बहुत बढ़िया हो गया, फाइन, बट अगर तुम्हारा 99.4 आ गया, हाँ, तो जो 2-3 कॉलेज यहाँ पे मिस होते, इसमें मिस होते, ठीक है, ये तुमने अपने मिस को थोड़ा कवर अप कर लिया, ठीक है, अपनी सीवी अच्छे बना के, ओके। सो तुमको कॉल्स आने के चांसेस क्या बढ़े हैं, बढ़ जाएंगे। तो तुम्हारा क्या होगा, जहां पे अगर तुम्हारा बिल्कुल तुम्हारा तुम्हारा पास बिल्कुल जीरो है, तुम्हारा सीवी में कुछ भी एक्स्ट्रा एडेड नहीं है, और तुम्हारा जो कॉल 99.5 पे आएगा, तुम्हें वही कॉल 99.2 पे आने लगेगा। फ्रीलांसिंग भी तुम सीवी में लिखोगे ऑब्वियसली, ठीक है, समझ रहे मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, ट्राइंग टू गेट अ लॉजिक, राइट। हाँ, कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ कि आपको अपने सीवी को स्ट्रांग बना के आपको अपने कॉल्स के चांसेस को बढ़ाते जाना है हमेशा, ओके। तो वंस यू गेट, देखो इस सिंपल सा बात कैट में क्या है कि वंस यू गेट 99+ इन कैट, फॉर श्योर यू गेट सम वेरी डिसेंट कॉलेज, पक्का, ये तो पक्की बात है। प्रोफाइल कितना भी खराब हुआ आपका, आपको एक डिसेंट कॉलेज मिल जाएगा, ठीक है। बट इस डिसेंट कॉलेज में और चांसेस को बढ़ाते हैं, हाँ, लेट्स ट्राई टू हैव मोर कॉल्स, लेट्स ट्राई टू हैव अ स्ट्रॉन्गर सीवी, जो कि मेरे को बाद में समर प्लेसमेंट भी हेल्प करेगा। अगर मेरा सीवी स्ट्रॉन्ग बना रहेगा और मैं समर प्लेसमेंट अच्छा सा प्लेसमेंट ले लूँ, मेरे को वहां पे, मेरे को वहीं पे 25 लाख का जॉब ऑफर हो जाएगा स्ट्रेट अवे, है ना, जिस चीज के लिए हम लोग एम कर रहे थे, वो एमबीए करने के 6 महीने अंदर हो सकता है, ओके। वेलकम टू दैट पॉइंट, राइट। तो इसलिए ना ध्यान रखना कि ये चीजें काफी छोटी छोटी चीजें हैं, बट क्या करती है, काफी मैटर कर जाती हैं। तो हमें ना सीवी का बेसिकली क्या है, अभी जिसका बहुत वीक सीवी है, तो हम लोग क्या सीवी बढ़ा रहे हैं, उसको सीवी अभी अभी काम कर रहे हैं, जिसका अभी फैब में इंटरव्यूज मोस्टली सबके खत्म हो जाएंगे, अब जुलाई तक काफी काम कर रहे हैं उस पर, क्योंकि अगले 4 मंथ्स पे सीवी को स्ट्रांग बनाना है अपने एमबीए कॉलेज के लिए, राइट। बट एक और भी उसके पहले का फेज है, तुम इंटरव्यू में थोड़ा मोड़ा काम कर सकते हो। अब समझना गाइस, हमें पता है ये बहुत छोटी चीज है, तो बोल रहा सर हम क्या, सर ये कितने कोर्स करेंगे, तो कितने पता है कितना छोटा चीज है, ये बहुत छोटा चीज है। 8 घंटे का कोर्स है, 8 आवर्स का, 10 आवर्स का, 20 आवर्स का, इसको तुम खत्म नहीं कर सकते क्या 2 महीने में, ठीक है। तो 2 महीने में खत्म कर सकते हो ना, तो कैन इजिली फिनिश दिस 8 और 20 आवर्स का कोर्स, कुछ भी तो है बताओ, तो डिजिटल मार्केटिंग के कोर्स है, फाइनेंस के कोर्स है, इन्वेस्टमेंट स्टॉक्स के कोर्स, तुम उसको खत्म नहीं कर सकते हो क्या 8 आवर्स, 20 आवर्स का मान लो कोर्स है, कांट यू फिनिश इन 2 आवर, 2 मंथ्स कर सकते हैं ना, और अभी फिनिश कर लेकर पढ़ लिया, ध्यान रहा, उसको सीवी में अपने ऐड भी कर लिया, जब दिसंबर में, जब अब दिसंबर जब कैट हो जाएगा, ओके, तो इस वजह से थोड़ा रिवाइज भी कर लेंगे, एक बार अगर पूरा पढ़ा हुआ है तो उसको वापस से रिवाइज भी कर लोगे। तो बिल्कुल नया चीज उस समय से अच्छा है कि अभी से कुछ कुछ क्या करें, धीरे धीरे
चीजें अपने सीवी में ऐड करते चलें, ठीक है, तो कि हमारा इंटरव्यूज क्या हो, अच्छा हो, राइट। देखो एनी हाउ ये चीजों का इनका काम सिर्फ इंटरव्यू में आता है, क्योंकि जब आप कैट का फॉर्म फिल करोगे तो कैट के फॉर्म में सबसे लिखते क्या हो, ऑलवेज सब गैप ईयर किससे, अगर तुम बोले सर वो गैप ईयर नहीं चाहिए तो गैप ईयर सिर्फ जॉब से ही कवर हो पाएगा ना, ओनली जॉब, राइट। बोलो सर मेरे को बिल्कुल गैप ईयर नहीं चाहिए, तो तुमको जॉब करना पड़ेगा, एंड इट शुड बी अ फुल टाइम सैलरी जॉब, फुल टाइम जॉब होना चाहिए, तो बिल्कुल ओके। अब फुल टाइम जॉब की सबसे हाई वैल्यू होती है, फुल टाइम जॉब के बाद द नेक्स्ट वैल्यू इज अबाउट इंटर्नशिप, जो तुम इंटर्नशिप्स करते हो अपने सीवी के लिए, एंड देन यू गो फॉर सर्टिफिकेशंस, करेक्ट, दैट्स द ऑर्डर हियर, राइट। बट तुम भी पता है कि मार्केट में इतना आसान नहीं है जॉब मिलना, है फ्रीलांसिंग वैल्यू थोड़ा सीवी अच्छा बनाएगा, सीवी है फ्रीलांसिंग वैल्यू, बट तुम उसको वर्कएक्स में नहीं लिख सकते, वर्कएक्स अगर तुमको लिखना है दैट शुड बी अ फुल टाइम जॉब, ओके, वर्कएक्स अगर है तो फाइन। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से हियर इज कि फुल टाइम जॉब की सबसे ज्यादा वैल्यू है, देन इंटर्नशिप एंड देन सर्टिफिकेशंस, राइट। तो इसलिए तुम अभी तुम कुछ भी कर रहे हो, बहुत लोग फ्रीलांसिंग कर रहे हैं, बहुत लोग कुछ कुछ पढ़ रहे हैं, क्योंकि दैट विल मेक योर सीवी स्ट्रॉन्गर, दैट्स गुड थिंग, राइट। बट स्लोली 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 अगर आपके पास जॉब भी नहीं है तो इंटरव्यू में सीधा सर गैप ईयर, ओके, तो गैप ईयर में तीन चार स्किलिंग अप स्किलिंग के कोर्स दिखाने से एक अच्छा इंप्रेशन बनता है, दैट क्रिएट्स अ गुड इंप्रेशन, ओके। तो मैं इसलिए बता रहा हूँ कि देखो ये ना काफी अभी तक तो बहुत टाइम है, somebody will ask me in August, अगर कोई मुझसे August में पूछेगा कि सर August आ गया, 3 महीने के बाद CAT है, okay, now मेरा profile बहुत खराब है, मेरा gap year 1 year का है, कि मैं क्या करूँ profile अच्छा करने के लिए, तो मैं बोलूंगा अब तुम कुछ मत अच्छा करो profile अच्छा करने के लिए, don't do anything, just try to get high 99.5 in CAT, मैं यही बोलूंगा उस समय, ठीक है, बाकी कब देखेंगे, let's will see after December, हाँ उनको मैं ये बोलूंगा जो लोग अगस्त में आएंगे, बट अभी अगस्त से बहुत टाइम है ना, क्योंकि उनके लिए पर्सनल इंपॉर्टेंट है, पर्सनल आएगा फायदा ही नहीं है, बट अभी मेरे पास टाइम है क्योंकि अभी फरवरी चल रहा है, ठीक है, छोटे छोटे 8 hours, 10 hours के कोर्सेस करने का मेरे पास बहुत सारा टाइम है, ठीक है, एंड स्लोली आई कैन मेक आवर सीवी स्ट्रॉन्गर, ओके, तो हमें करना चाहिए, ओके, बता देता हूँ, गैप ईयर सिर्फ फुल टाइम जॉब से कवर होता है, पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज से नहीं, पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज आर टेकन एज गैप ईयर्स, ठीक है, पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज आर टेकन एज गैप ईयर्स, ठीक है, क्योंकि जब तुम MBA MCA कर रहे हो, MSc कर रहे हो, वो गैप ईयर है, क्योंकि कैट का क्वालिफिकेशन क्या है, कैट के लिए एलिजिबिलिटी क्या है, ठीक है, तो कैट की एलिजिबिलिटी है ग्रेजुएशन, ठीक है, और बाकी सब कुछ गैप ईयर है अदरवाइज, ओके। देखो देखो जॉब में क्या लेते हैं ना, तो तुम जब जॉब के लिए ट्राई करो फाइंड करने का, तो रेलेवेंट जॉब भी इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है, अब रेलेवेंट जॉब इन द सेंस कि अगर तुम्हारा कोई फाइनेंशियल कंडीशन अच्छा है, ठीक है, बोलोगे सर आई हैव अ डीसेंट फाइनेंशियल कंडीशन, ठीक है, हाँ दो साल MSc बिल्कुल बेकार है अगर तुम MBA करना है तुम्हें तो, ठीक है, वही बता रहा हूँ, रेलेवेंट जॉब बहुत जरूरी चीज है। अब बोलो सर मेरा फाइनेंशियल कंडीशन अच्छा है बट मैं स्कूल में टीचर बन जाऊंगा, ठीक है, तो अभी स्कूल में टीचर बनने से तुमको सैलरी स्लिप तो मिलेगा, तुमको काम तो मिलेगा, बट तुम्हारा ये रिलेवेंट वर्क एक्स नहीं है, MBA करने से कोई फायदा नहीं होगा, समझ रहे हो, राइट। अगर अब बोलोगे, अब सेकेंड चीज अगर ये तो बोलोगे सर मेरा फैशन कलर अच्छा नहीं है, आई गेट सम मनी एंड सपोर्ट माई फैमिली, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, राइट, बट तुमको एज सच तो ठीक है, बस वर्षा तुमको फायदा नहीं करेगा, तुम बोलो सर मैं कॉल सेंटर जॉब करूँ, कॉल सेंटर में इज आर नॉट रिलेवेंट जॉब्स, राइट। तो रेलेवेंट जॉब्स का मतलब बेसिकली क्या होता है, रेलेवेंट जॉब मीन्स लाइक अगर तुम्हें कोई डेटा एनालिस्ट का जॉब मिल गया, ठीक है, डेटा एनालिस्ट हो गया, HR हो गया, HR की जॉब मिल जाती है ना, छोटे छोटे फॉर्म में रिक्रूटेड जॉब में होती है, IT में जो जॉब कर रहे होते हैं, IT कंपनी में जॉब कर रहे होते हो, ठीक है, सेल्स एंड मार्केटिंग में जॉब कर रहे होते हो, ओके, ऑल दीज आर पार्ट ऑफ रेलेवेंट जॉब्स, सैलरी कुछ भी हो, हाँ सब कुछ, ऑल कुछ भी, अकाउंटेंट, बिजनेस एनालिस्ट सब आ जाएंगे यहाँ पे, ओके, सैलरी कुछ भी हो, यहाँ पे सैलरी का मैटर नहीं करता, सैलरी 5,000 रुपए हो, दैट्स परफेक्टली फाइन, सैलरी का इंपॉर्टेंस नहीं है यहाँ पे फुल टाइम जॉब का इंपॉर्टेंस है, अकाउंटेंट लिखा है अकाउंटेंट ना, ओके, तो यहाँ पे इंपॉर्टेंस क्या है, फुल टाइम जॉब का इंपॉर्टेंस है, ओके, बट देखो अब तुमको ये बता रहा हूं मैं कि देखो फुल टाइम जॉब अगर मिल गया अच्छी बात है, देखो फुल टाइम जॉब के अंदर दो कंडीशन है, अगर मिल गया, इफ यू गेट दिस, बहुत बढ़िया, If you can manage with this, बहुत बढ़िया, ठीक है, बट यहाँ पे दो कंडीशन है, बहुत लोगों को फुल टाइम जॉब मिलता नहीं है, बहुत लोग उसका पढ़ाई मैनेज नहीं कर पाते,
तो इसके बाद अगर बट हाँ अब ये क्या, ये बेस्ट ऑप्शन है, दिस इज द बेस्ट ऑप्शन, तो हमेशा ट्राई यहीं से करते हैं। अब बोलोगे सर बिल्कुल भी मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं हो पा रहा है, तो आप क्या करोगे? तो बोलोगे ठीक है, तो उस केस में हम जॉब, जो लोग जॉब नहीं कर रहे हैं वो लोग क्या करेंगे, या तो कुछ अप स्किलिंग के कोर्सेस कर लेते हैं। और अप स्किलिंग के कोर्सेस करने का हमारे पास क्या है, टाइम है अभी, है ना, व्हाट वी हैव टाइम राइट नाउ, तो समय है अभी करने का। फरवरी में हम, अगस्त जुलाई में मैं ये बात बिल्कुल नहीं बोल सकता, जो लोग आ रहे हैं अगस्त जुलाई में मैं बोलूंगा बिल्कुल परसेंटाइल फोकस करो, ठीक है, बट अभी मेरे पास टाइम है तो मेरे को क्यों नहीं, अच्छा मेरे को अपना और चांस बढ़ाना चाहिए, ठीक है, क्यों नहीं बढ़ाएंगे, टाइम है हमारे पास तो, है ना। सारा एमएससी एमसीए जो भी तुमने किया है वो सारा गैप ईयर्स है, एमएससी एमसीए कोई काम नहीं है, ग्रेजुएशन के बाद एवरीथिंग इज गैप ईयर, ओके, तो इसलिए दैट्स गैप ईयर। बट देखो अब तुम लोग को पता है, हैविंग सेड दैट, एक प्योर गैप ईयर के साथ, प्योर गैप ईयर के साथ, ठीक है, प्योर गैप ईयर ऑफ 4 साल, ठीक है, यूपीएससी प्रिपरेशन कर रहा था बंदा, प्योर गैप ईयर, नो जॉब, ही नीड टू एक्सेलरेट, ठीक है, प्योर जॉब, प्योर गैप ईयर 2 साल का, कुछ नहीं, प्योर गैप है, ओके, आई एम अहमदाबाद, ठीक है, किसके बल पे, पर्सनल के बल पे, ओके, समबडी गेटिंग दैट जैट में 99.7, ठीक है, कैट में 99.85 दिस पर्सन, ठीक है, तो इनका क्या था, प्योर गैप ईयर था। हाँ साथ में अब इनके बाद जब दिसंबर के बाद कुछ अपने स्किलिंग के कोर्सेज एक दो किए, बट बिल्कुल गैप ईयर था। बट अब यही पॉइंट है ना कि अभी बोल रहा, मान लो सपोज, अब देखो हर एक कॉलेज का पॉइंट क्या होता है, तो बताता हूँ, सुनो बताता हूँ, सब पहले, सब पहले सुनो, ठीक है, तुमको बहुत सारी चीजें नहीं, तुमको नहीं बताऊंगी, ओके, इसलिए मैंने चल गया है वाला। देखो बहुत सारे कॉलेज का पॉइंट है, वो क्या होता है समझना, यहाँ पे होता क्या है, बहुत सारे कॉलेज का पॉइंट कि सारे, मान लो कोई भी एक्स वाई जेड कॉलेज है, एनी एक्स वाई जेड कॉलेज, राइट, ये अपना जो फाइनल स्कोर है ना, ये आउट ऑफ 100 मार्क्स कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, यस ऑब्वियसली, सो अब ये अपना फाइनल मार्क्स आउट ऑफ 100 कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, दैट इज कॉल्ड दी कॉम्पोजिट स्कोर, है ना। अब इसमें अगर मैं कुछ स्कोर, कुछ कॉलेज को हटा दूं, इफ आई रिमूव कॉलेज लाइक आई एम बैंगलोर, अगर मैं आई एम बैंगलोर बोलूं, ठीक है, अगर मैं आई एम इंदौर बोलूं, तो इन लोगों का कैट का वेटेज काफी कम होता है, 20-30% होता है कैट का वेटेज, ठीक है, बट मोस्ट ऑफ द कॉलेजेस का जो कैट का वेटेज होता है, इधर 50%, 60% या 70% होता है, राइट, तो अगर हम ऑन एन एवरेज ले लें कि मान लो यहाँ पे कैट का वेटेज है, ओके, आई टेल यार, हाँ ठीक है, नो डूइंग फाइन, तो अगर यहाँ पे मैं बोलूँ कैट का वेटेज है, तो कैट का वेटेज ऑन एन एवरेज कितना होता है, 60% आउट ऑफ 100 मार्क्स, 60 मार्क्स इन ऑल, इन टॉप 30 कॉलेज में अगर तुम 2-3 कॉलेज हटा दोगे तो सब में ऑलमोस्ट 60% ऑन एन एवरेज है, ओके, इसके बाद जो आपका जीडीपीआई होता है, दैट जीडीपीआई इज अराउंड 20% नॉर्मली, मैं एक बता रहा हूँ, एक मैं एवरेज लेके बता रहा हूँ, एवरेज लेके, ओके, उसके बाद आपके यहाँ पे मे बी 10 नंबर्स अबाउट योर प्रोफाइलिंग, हाँ 10 नंबर, मे बी 5 नंबर अबाउट योर डाइवर्सिटी, है ना, जो भी आपका जेंडर डाइवर्सिटी होता है, सर के चलते रहता है, फाइन फाइन, एंड ऑल दिस स्टफ सब इजली टेकन ऑफ केयर ऑफ, फाइन, और कुछ पॉइंट लेके प्रोफाइल पे 10 दे दिया, अकैट्स पे 5 दे दिया, है ना, ये प्रोफाइल प्लस अकैट्स पे 15 दे दिया, राइट, चलते रहता है, तो समहाउ दे विल ऐड टू 100, आई टेल यू, ठीक है, सो एड समहाउ दे विल ऐड इट ऐड टू 100, राइट, ओके हाँ वही सब पॉइंट होता है छोटे छोटे। तो अब देखो मेरा सबसे यहाँ पे पॉइंट हाई क्या है कि हमारा कैट और जीडीपीआई का वेटेज क्या है, हाईएस्ट है, हाईएस्ट है, राइट, ठीक है। अब इसमें अभी लास्ट लास्ट टू लास्ट ईयर, तो इसका रिजल्ट नहीं है, लास्ट ईयर क्या हुआ था कि समबडी विद 62% इन, उसको ना बीटेक में 62% था, मेरा स्टूडेंट था, उसको बीटेक में 62% था, राइट, उसको कैट में 98.3 आया, 98.7 है, 98.3 आया, ठीक है, और उसको मिला आईएम उदयपुर, ठीक है, ऐसा न्यू आईएम, राइट, एंड आईएम उदयपुर इज अ गुड कॉलेज, अच्छा कॉलेज है, डूइंग वेरी गुड, अच्छा कर रहा है, ठीक है, डूइंग गुड, उसका इनफैक्ट अभी प्लेसमेंट तो नहीं हुआ है, बट समर इंटर्नशिप भी उसको लगी थी, अराउंड 1.1 लाख पर मंथ मिला था उसको समर इंटर्नशिप में भी, ओके, तो ये अब ये मैं क्या, अब देखो ये मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ कि अब 98.3 में आई एम उदयपुर मिला, है ना,
अब इसका प्रोफाइल बहुत एवरेज था, 62% विद बीटेक भी था, ठीक है, यहाँ पे गैप ईयर भी था, तो क्या था आपका, एवरेज था, राइट? ओके, अब इसके बाद ना आई एम उदयपुर में ना, एक मेरी स्टूडेंट थी, उसको 94.9 था, उसको भी आई एम उदयपुर ही मिला, समझ रहे हो, 94.9 में उसको आई एम उदयपुर मिला, इट्स अ वेरी गुड प्रोफाइल, काफी अच्छा प्रोफाइल था, विद आई थिंक 999 टाइप्स ऑफ प्रोफाइल था, ओके, ऐसा प्रोफाइल था, 99-80%, ठीक है. तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से हियर इज कि अगर मेरा प्रोफाइल खराब हुआ, ठीक है, तो उसको क्या कवर किया हमने, अगर मेरा प्रोफाइल थोड़ा यहाँ पे खराब हुआ, हमने क्या कवर किया, परसेंटाइल से, है ना, जहां पे 95 में एडमिशन हो सकता था, मुझे 98 लग गया लाने में, हाँ, बट स्टिल आई गॉट अ वेरी डिसेंट कॉलेज, राइट, समझ रहे हो ना, मुझे काफी डिसेंट कॉलेज आया, मतलब काफी अच्छा कॉलेज है, आराम से यहाँ पे अराउंड अराउंड, तो अगर वहां पे अच्छा करोगे तो आराम से वहां पे 20 लाख का पैकेज एक्सपेक्ट कर सकते हो, है मिडिल है, वेलकम टू दैट. तो अच्छा, तो ये यही चीजें इंपॉर्टेंट होती है, राइट, कि तुम जो ये गैप है ना, ये जो गैप है, तुम इसको परसेंटाइल से कवर करो. अब वही तुमको, अब बोलोगे सर आप जो बोल रहे हो कि हम सर्टिफिकेशंस करें, हम अपना सीवी अच्छा करें, तो ये क्या पॉइंट है, तो ये पॉइंट है कि मान लो, एक एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं, मान लो फॉर एग्जाम्पल कि 94 पॉइंट किसी बंदे का अगर प्रोफाइल अच्छा है, 194.9 हो गया पे एडमिशन हो गया, ठीक है, मान लो 98 पॉइंट, मैं ऐसे लोग को जाता है उसका अच्छा प्रोफाइल पे 98.8 पे आई एम इंदौर मिल गया, बता रहा हूँ एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं, ठीक है, आई एम इंदौर मिल गया 98.8 पे, बट 98.8 पे ना उसका आउट ऑफ 100 स्कोर कहीं पे अच्छा होगा, है ना, आउट ऑफ जो स्कोर आएगा अच्छा आया होगा, ठीक है. अब जिसको मान लो, ये तो तुम कैट दिखे तुमको पता ही चल रहा कितना आया तुम्हें, मान लो किसी को 98.6 आया, एक एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं, तो 98.8 में आई एम इंदौर से कब कॉल आता है, क्योंकि आउट ऑफ 100 जो आप बनाते हो उसका कंप्लीट स्कोर, वो आपका कट ऑफ क्लियर हो गया, बट मान लो 98.6 वाला कट ऑफ क्लियर नहीं हो रहा है, ठीक है, तो अब ये जो थोड़ा सा बच जाएगा कॉल आने से, तो अब ये जो गैप है इसको क्या कवर करेगा, ये जो गैप है इसको कैसे कवर करेगा, थ्रू अ बिट ऑफ प्रोफाइल, अगर आपका प्रोफाइल थोड़ा अच्छा है तो, है ना, अगर आपका, अब प्रोफाइल अच्छा का दो तीन चीजें हैं, अगर आपका कम गैप ईयर है, अगर आपने काफी सारे अप स्किलिंग के कोर्सेस किए हुए हैं, ठीक है, तो आपका सीवी अच्छा है, तो आपने अप स्किलिंग के बहुत सारे कोर्सेस किए हैं, आपका सीवी अच्छा है, आपने इंटर्नशिप्स की हुई है, आपका सीवी अच्छा है, थोड़ा कम परसेंटाइल में भी कॉल आ जाएगा. तो हम लोग को हमेशा स्टार्ट कैसे करना चाहिए, हमेशा बेस्ट से स्टार्ट करना चाहिए, स्टार्ट फ्रॉम द बेस्ट, ठीक है, एंड देन मूव टू द वर्स्ट के सिनेरियो. तो अभी हमारे पास, क्योंकि फरवरी में हमारे पास टाइम अच्छा करने का, तो हम क्या करेंगे, अपने प्रोफाइल को अच्छा करने पे काम करेंगे अभी, राइट, और ये काम अगस्त के बाद नहीं कर पाएंगे, ओके, तो बिकॉज इट इज फरवरी वी कैन वर्क ऑन द प्रोफाइल, वी कैन मेक अ सीवी बेटर, ताकि जो 0.2, 0.3, 0.4 का गैप बाद में आएगा, ओके, वो हमें प्रोफाइलिंग से थोड़ी कवर हो जाए और मुझे कम पे भी कॉल आ जाए, ये भी जरूरी चीज है, समझ जाओ ना, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट प्ले रोल प्ले करता है आपके कॉल्स के चांसेस को बढ़ाने में, इसलिए हमें अपने, तो अभी जो लोग भी स्टार्ट किए जैन फैब में, हमें अपने प्रोफाइल पे वर्क करना चाहिए थोड़ा, लेट्स वर्क ऑन दी प्रोफाइल, ओके, एंड ट्राई टू गेट द बेस्ट पॉसिबल कॉल, ठीक है, हमें करना चाहिए ऐसे. देखो कितने सर्टिफिकेट नहीं है, बेसिकली होता क्या ना कि जब भी हम सीवी की बात करते हैं वहां पे, ठीक है, सो व्हेन आई टॉक अबाउट दो सीवी एंड ऑल, तो जब भी सीवी में तुम जहां पे, अगर तुम एटलीस्ट तुमने सीवी में अपने तुमने लिखा है वहां पे 4-5 पॉइंट्स, हाँ, अबाउट अप स्किलिंग, तो अच्छा, मतलब काफी अच्छा देख के लगता है सीवी. अब 4-5 पॉइंट से वो क्वेश्चन नहीं पूछ सकते हैं, दे कैन नॉट आस्क फ्रॉम ऑल दी 4-5 पॉइंट्स, राइट, ठीक है, तो वो एक दो उठा के क्वेश्चन पूछेंगे और आपको पता होना चाहिए, है ना, तो वही तो मैं बता रहा था मैं कि मैनेज ऐसे ही मैनेज करते हो कि आपको पता है कि अभी फरवरी है, तो व्हेन इट इज फरवरी राइट नाउ, तो मैंने तुमको कहा कि बहुत छोटे कोर्सेज होते हैं, जो स्मॉल कोर्सेज होते हैं 8 आवर्स के, 16 आवर्स के, इसको एक ही तो मैंने खत्म कर लो, 8 घंटे कोर्स है, 1 घंटा आज पढ़ लिया, 1 घंटा अगले वीकेंड में पढ़ लिया, 1 घंटा किसी दिन छुट्टी दिन पढ़ लिया, 1 घंटा रात में पढ़ लिया, 1 महीने में खत्म हो जाएगा, 8 घंटे का कोर्स 2 महीने खत्म हो जाएगा, एक 12 आवर्स का कोर्स है, खत्म हो जाएगा 16 आवर 2 महीने में, तो तुमने अपने सी में दो तीन अच्छे पॉइंट ऐड कर लियो, काफी अच्छा सही चीज है करने के लिए, ओके, नहीं इतना भी तुम लोग इतना भी स्किल्स नहीं कर रहे हैं भैया, यार हमारे लिए ना पढ़ने के लिए यूडेमी इज फाइन, यूडेमी सही चीज है, ठीक है,
यूडेमी अच्छा चीज है पढ़ने के लिए, कोर्सेरा भी काफी अच्छा है, कोर्सेरा अच्छा है आपको अपस्किलिंग करने के लिए, ये दो काफी अच्छी वेबसाइट्स हैं अपने आपको अपस्किलिंग करने के लिए। इसके अलावा क्या बोलते हैं, इंडीड अच्छा साइट है इंटर्नशिप्स के लिए, इंडीड में इंटर्नशिप्स अच्छा मिल जाता है, ठीक है, प्रेफरेंस वाइज। इसके बाद आओगे इंटर्न, अच्छा इंटर्नशिप करो इंटर्नशाला, ठीक है, तो इंडीड में अच्छे इंटर्नशिप मिलेंगे, इंटर्नशाला में कि तुम्हें इंटर्नशिप मिल ही जाएगा, ठीक है, तो यू कैन डू दैट राइट। इंडीड पे फर्स्ट प्रेफरेंस रहेगा या सेकंड रहेगा, लिंक्डइन में पॉसिबल इशू हो जाएगा, ठीक है। लिंक्डइन में क्या है ना, क्योंकि लिंक्डइन में भीड़ बहुत है, लिंक्डइन में तो वहां तुमको बहुत वेटिंग है, तो हमको इतना कोई हाई प्रोफाइल नहीं करना है भैया, हमें हमें अच्छे कोर्सेज चाहिए अपने लिए, ठीक है। फॉरेज भी ठीक है, एडेक्स भी ठीक है, मतलब ये इतने इतने सारे, हम इतने सारे वेबसाइट यूज कर रहे हैं यार, ठीक है, दो तीन चीज, ओके, पता नहीं मेरे को आइडिया नहीं मिल अबाउट इतना, आप अगर अगर है तो कर लो, आई डोंट हैव आइडिया अबाउट इट, काफी नया है इसलिए आइडिया नहीं मुझे भी। हाँ सीख लो, मैंने तो लिया, मैंने तो कोर्स किया हुआ है, मैंने एसईओ का कोर्स किया है, मैंने एनालिटिक्स का कोर्स किया है जिसको मार्केटिंग में इंटरेस्ट है, ठीक है, मैंने इसमें इसमें क्या बोलते हैं डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स किया है, ठीक है, अच्छा होता है सीखने के लिए। माई जॉब गिव्स फ्री लिंक्डइन लर्निंग सब्सक्रिप्शन, कर सकते हो चार्वी, ठीक है, जस्ट नीड फ्यू, देखो बेसिकली हमें समझना है इसका पूरा सेंस क्या था, ठीक है, मैंने यूडेमी से किया था, आई डिड फ्रॉम यूडेमी ओनली, ठीक है, मेरे देखो इतना पॉइंट्स का बेसिकली मतलब क्या है, अल्टीमेटली द थिंग इज दैट कि यू शुड हैव समथिंग 3-4 पॉइंट्स अपने सीवी में ऐड कर लो, ठीक है, एंड लेट 3-4 पॉइंट को सीवी में ऐड कर लो, ठीक है, एंड लेट योर सर्टिफिकेट सपोर्ट दैट, सर्टिफिकेट्स को उसको सपोर्ट करने दो, ठीक है, तो इट विल बी अ इट विल मेक अ डिसेंट सीवी इन सम टाइम। ऐसे एक ही और अच्छा नहीं बन जाएगा, एक ही और अच्छा नहीं बनेगा, ठीक है, एक और नहीं बनेगा, अभी करेंगे थोड़ा काम मई जून जुलाई में, थोड़ा काम जुलाई में करेंगे, थोड़ा काम अप्रैल में करेंगे, थोड़ा फरवरी में करेंगे, थोड़ा कैट के बाद करेंगे, जब कैट दे लेंगे ना दिसंबर जनवरी में करेंगे, फिर थोड़ा फरवरी के बाद करेंगे जब सारे इंटरव्यूज खत्म हो जाएंगे, तो ओके, तो धीरे 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 अच्छा बनाएंगे सीवी को, बट उसकी स्टार्ट अभी से होनी चाहिए, ये कहने का पॉइंट है। तो जो लोग भी जिनके पास भी जो लोग भी एक्सपेंसिव कोर्सेज है, यूडेमी के कोर्सेज बहुत सस्ते होते हैं, दे आर वेरी चीप कोर्सेज यार, जो यूडेमी के कोर्सेज होते हैं बहुत सस्ते होते हैं ये, ठीक है, हार्डली आई थिंक ₹500, ₹700 के कोर्सेज होते हैं, बहुत सस्ते होते हैं, ₹200 ऐसे वैसे होते हैं, ओके, वेरी वेरी सस्ते होते हैं। अभी इतना मत सोचो भैया स्पाइक पॉइंट के लिए क्या करें, धीरे धीरे स्टार्ट करो, एक बार देखना मिनरल, गेट डोंट गेट टू मच इन्वॉल्व इन दैट, ठीक है, ये भी पॉइंट मेरा ध्यान रखना। अरे भैया काफी तुम लोग ना, मैं इतने पिन नहीं देख सकता, इसका पार्ट 2 करना पड़ेगा, आप कुछ कुछ देख लेते हैं अभी, ठीक है, इसका पार्ट 2 भी करेंगे हम लोग, लेकिन इतने तो एक क्लास में नहीं पॉसिबल है। सर कॉलेज ड्रॉप आउट एक दो देख लेते हैं जो मुझे अच्छा लग रहा है। अ कॉलेज ड्रॉप आउट कंप्लीट बाय ग्रेड्स 2 इयर्स लेटर, आई बाय ग्रेड्स 2 इयर्स लेटर आई क्या है, देखो यहाँ पे ना ये क्या होता है, बहुत लोग का ऐसा होता है कि 12th के बाद बहुत लोगों का गैप होता है, ठीक है, सो आफ्टर 12th बहुत लोग का यहाँ पे क्या होता है, गैप ईयर होता है, ओके, सो 12th के बाद जिन लोग का भी गैप ईयर होता है ना, मतलब नॉर्मली वो जो प्रिपरेशन वो जो गैप ईयर होता है, इट इज बिकॉज ऑफ आपका ITJEE का प्रिपरेशन, ठीक है, या तो इट इज बिकॉज ऑफ क्या बोलते हैं उसको, मेडिकल का प्रिपरेशन, ठीक है, तो नॉर्मली जो नॉर्मली आपका जो गैप ईयर्स है ये इन्हीं इन्हीं कारण से बेसिकली होता है, ठीक है, तो अब इस इन चीजों को अगर आपको अचीव करना है या इसको आपको काउंटर करना है इन गैप ईयर्स को, ठीक है, तो आपको आप उसको यू कैनॉट गो 5 ईयर्स बैक एंड कम एंड फिल इट राइट, तो बेसिकली वो तो गैप ईयर निकल जाता है हमारा कि भाई 12th का बाद था तो थोड़ा सा बहाना बनाते हैं, थोड़ा सा पेरेंट्स के लिए बोलते हैं कि मेडिकल के लिए बोला प्रिपेयर करने के लिए, एट दैट टाइम नॉट वाज नॉट, तो दे दिया 2 साल दिया 1 साल ITJEE के लिए, ठीक है, बट वहां पे तुमको फिर अपना इम्प्रेशन बनाना पड़ता है कि उल्टा कहां से नहीं बोल रहा, इम्प्रेशन कैसे बनेगा इंटरव्यू में परसेंटाइल से, ठीक है,
अब तुम जिस इंसान के सामने बैठे हुए हो, अगर तुमने कैट या जैट जैसे एग्जाम में 98 या 99+ परसेंटाइल लेकर आए हो, ठीक है, तुम्हारा अच्छा इंप्रेशन उसके सामने में, तुमसे अच्छे क्वेश्चंस पूछेंगे वो, ओके, तुमको ट्राई करेंगे सेलेक्ट करने का ना, क्योंकि अब तुम बोलोगे नहीं मेरा 12th के बाद गैप ईयर था, मेरा ग्रेजुएशन बाद फिर गैप ईयर हो गया, कैट में मेरे को 76 परसेंटाइल आया, ठीक है, बट आई एम अ वेरी गुड कैंडिडेट, आई वर्क वेरी हार्ड, कहाँ दिख रहा है बताओ तो? नहीं दिख रहा है ना। बोलोगे सर क्या, मैं सर 12th के बाद दो गैप ईयर, मेरा बीटेक के बाद भी है, मेरा ग्रेड के बाद भी गैप ईयर, ठीक है, अच्छा कैडमिक्स भी नहीं है, कैट में लेके आए 76 परसेंटाइल, बट आई एम वेरी गुड, ठीक है, आई एम अ वेरी शार्प माइंड, आई एम अ वेरी शार्प माइंड, आई एम अ वेरी हार्ड वर्किंग पर्सन, ये कहाँ दिख रहा है? तो तुमको दिखना चाहिए तुमको ना यहाँ पे, यू नीड टू सी दैट हियर कि वो तुम्हारे जो तुम्हारा लाइफ है, अगर वो ऐसे ऐसे जा रहा है, डाउन भी जा रहा है, राइट, तुम्हारा लाइफ अगर स्ट्रेट भी जा रहा है, बट एट द टाइम ऑफ कैट, जब तुम कैट का एग्जाम दो, तुम्हारा लाइफ कम से कम ऐसे तो मूव करे ना, तुम्हारा लाइफ अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, भाई तुम्हारा बहुत खराब था, सब कुछ ठीक है, बट अब तुमने एक नेशनल लेवल का एग्जाम क्लियर किया है अच्छे परसेंटाइज से, है ना, अब बिग नेशनल लेवल का एग्जाम तुमने क्लियर किया अच्छे परसेंटाइज से, राइट, दैट अब तुम बोल सकते हो ना कि नहीं मैंने काफी हार्ड वर्क किया है, आउट ऑफ 2 लाख पीपल आई हैव गॉट वन इन द टॉप 2%, टॉप 1%, राइट, दैट क्रिएट्स अ इंप्रेशन, राइट, जिससे तुमको अपने बात को सपोर्ट करना पड़ेगा। हम कहानी बहुत बना लेंगे कि मेरा 12th के बाद 2 साल गैप ईयर था, मैं आईडीजे प्रिपरेशन कर रहा था, फाइन, तुम्हारा वहां भी गैप ईयर था, तुमको उधर भी नहीं लगा, ग्रेजुएशन तुम ग्रेड में, तुम्हारे यहाँ भी लो अकेडमिक्स है, तुमसे कैट भी क्लियर नहीं हुआ, सब कुछ डाउन 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 ही चल रहा है, तुम पे क्यों भरोसा करेंगे? नहीं करेंगे ना, ठीक है, तो ये सब चीजें क्या है ना, लॉजिक है, राइट, ऐसा मतलब मैं बहुत लोग, जैसे अभी मैं YT पे एक दो सेशन ले रहा था, YouTube पे मैं रोधा पे ले रहा था, उसमें बहुत लोग कमेंट्स में लिखे हुए थे कि सर मेरे मेंटर ने मुझे मना कर दिया क्योंकि मेरा 10th में 72% है, मेरा बीटेक में 59% है, और मेरा ऐसे ही कुछ खराब सा प्रोफाइल है, मेरा गैप ईयर है, बोला कि तुम कैट मत दो, मेरे मेंटर ने मुझे मना कर दिया देने के लिए कैट, तुमको कभी किसी कॉलेज से कॉल नहीं आएगा। मैंने कहा कि यार ये तो मतलब, अब ये बेसिकली क्या है, एब्सर्ड चीज है, राइट, ठीक है, उसको समझाया मैंने कि आउट ऑफ 100 कंपोजिट स्कोर होता है, ये फंडा होता है, हाँ ऐसे कुछ नहीं बोलते तुमको ना गैप, तुमको कहीं से कॉल नहीं आएगा, आउट ऑफ 100 तुम्हारे पास 80 नंबर तुम्हारे हाथ में, दिस इज 80 इज 80 इन योर हैंड, राइट, तो उस 80 में अच्छा करने का ट्राई करो, है ना, जो आपके मैक्सिमम आपके लोग हैं, तो लॉजिक नहीं है ना बाहर, मतलब अगर नॉलेज है तो कुछ भी बोल जाएगा, कोई कुछ ही बोल देगा, नॉलेज नहीं है तो भाई 58 परसेंटाइल, 58% बीटेक में, ठीक है, एंड दैट पर्सन विद आफ्टर 2 गैप ईयर्स, ठीक है, इज इनटू आईएम रिची, और अभी उसको 17 लाख का पैकेज लगा है एक्सिस बैंक में, ओके, तो ऐसे नहीं बोल सकते ना, तुमको नॉलेज होना चाहिए चीजों के बात करने के पहले कि हाँ ऐसा होता है, क्या सिचुएशन है, किस किस कैस कितना कैसे स्टूडेंट्स हैं, ओके, ऐसा नहीं होता, इसलिए इतना लोड नहीं लेना है, बट हाँ हमें धीरे धीरे अपने काम पे धीरे धीरे वर्क भी करते रहना है, ओके, ठीक है, रहेगा रोनित, मैंने क्या बोला अगेन, स्टार्ट फ्रॉम बेस्ट टुवर्ड जॉब इंटर्नशिप सर्टिफिकेशंस, ओके फाइन, यार ले लेते हैं, इफ देखते हैं कितना ले पाएंगे अपन, बट आई हैव अ क्लास फ्रॉम 5 PM, सो इसका एक पार्ट टू भी करना पड़ेगा, मेरा क्लास 10 में 62% है, 12th में 76 है, आर्ट्स बैकग्राउंड, बीएससी 58% है, ग्रेजुएशन 2020 मैंने ग्रेजुएशन 2020 बट ठीक ठाक मार्क्स नहीं आया, कैट 23 देंगे, मेरा ऐसी कैटेगरी है, मिनिमम परसेंटेज क्या होता है? मैं बोलूंगा तुमको ना 84.36 चाहिए, तुम ले आओगे? तुमको कैट डे सपना आएगा, कैट डे कि हमको 80, अच्छा अब यहाँ पेन रोक देते हैं, मेरा हो गया, रवि सर ने कहा था 84.36 मुझे आ गया, अब रोक देते हैं, ऐसे नहीं हो सकता ना, ठीक है, तो ये क्या होता है मिनिमम परसेंटेज? ट्राई, जब भी पढ़ाई करते हो पढ़ाई हमेशा हाईएस्ट के लिए क्या करो एम, ठीक है, सो ऑलवेज ट्राई फॉर 99+, ओके, तो 99+ लाने का ट्राई किया करो, और उसमें तुम ट्राई करो कि अभी 95 कम से कम, कितना भी गिरे तो 95 तक गिरे, ओके, 95 का स्टार्ट ही करोगे तो 90 तक गिरी होगे, 90 के स्टार्ट करोगे तो 80 तक गिरी होगे, ठीक है, इसलिए हमेशा 99+ का एम करके पढ़ो, कि थोड़ा बड़ा वहां पे जाके मैनेज भी करना पड़े तो आई कैन मैनेज देयर, ओके, लिटिल बिट ऊपर नीचे हुआ तो, बट ऑलवेज स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर 99+ हमेशा। आई एम पीयूष फ्रॉम, कितना नंबर लिख दियो, लंबा लिखा है, पढ़ लेते हैं यार,
I have one doubt where can I focus for CAT tournaments because I'm a little bit confused. My marks are 10th, 83, 72, 8.2 CGPA. Actually, I'm last year trying to pass out. Isn't it okay to go for best college as a way feel was good teaching from my general school? Superb. Okay. देखो प्रोफाइल ठीक है, ऐसा कुछ इशू नहीं है, बट वही है कि तुम्हारे पास अब जब हो जाएगा, जब तुम एमबीए के इंटरव्यूज दोगे तो यू विल बी ऑन द वर्ज ऑफ 2 इयर्स गैप. तो 2 साल का गैप जब तुम एमबीए के इंटरव्यूज के लिए दोगे तो थोड़ा यहाँ पे अप स्किलिंग के कोर्सेज करना अच्छा रहता है. तो ट्राई टू डू सम इंटर्नशिप, जो मैं बता रहा था, ट्राई टू ऐड 1-1 महीने 2-3 इंटर्नशिप ऐड कर लो या कुछ अप स्किलिंग के कोर्सेज कर लो. तो इधर डू सम इंटर्नशिप्स, ठीक है, और अप स्किलिंग के कोर्सेज और बोथ, ठीक है, और बोथ. अब यहाँ पे तुम एक चीज पूछ सकते हो, सर कौन से कोर्स मुझे करने चाहिए, ठीक है. अब कौन से कोर्स करने चाहिए का क्या मतलब है? अरे ये पूछो ना, कॉल क्या कर रहे हैं, तो सब सब तो डाउट ले ही रहा हूँ, पूछ रही है मैं क्या जो पूछना है, जो डाउट है. ओके, तो अब जैसे मान लो कि अदरवाइज कर लेना, बट अभी अभी खत्म करो ना पूछ पाछ के. तो अब जैसे तुम्हारा क्या है कि जैसे मान लो कि तुम्हें ना, अगर तुम्हारा कोई एरिया डिटरमाइंड है, फॉर एग्जाम्पल तुमको पता है कि मुझे एमबीए इन फाइनेंस करना है, बहुत लोग क्लैरिटी होती है. देखो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर किसी को क्लैरिटी नहीं है, इफ समबडी डजंट हैव दैट क्लैरिटी, बट स्टिल इट्स फाइन, तुम एमबीए करना कोई दिक्कत नहीं है. ओके, तो बट अगर किसी के पास एमबीए है तो यू कैन डू जनरल एमबीए, एकदम नो इश्यू इसमें. ओके, यू डोंट हैव एनी क्लैरिटी, इट्स परफेक्टली फाइन, मुझे कोई दिक्कत नहीं है इस चीज में, ठीक है. सेकेंड चीज बेसिकली क्या है, अगर बोलोगे नहीं सर मेरे को पता है कि मेरे को एमबीए इन फाइनेंस करना है, मुझे एमबीए इन फाइनेंस करना है, ठीक है, तो मुझे एमबीए इन फाइनेंस करना है, मुझे एमबीए इन नहीं एमबीए इन मार्केटिंग करना है, ठीक है, ये क्लैरिटी तुम्हारे पास है, या एमबीए इन एचआर करना है, जो भी करना है, एमबीए इन ऑपरेशन, बहुत लोग इंजीनियर्स, मुझे एमबीए इन ऑपरेशन करना है, ऑपरेशन करना है, सप्लाई चेन मैनेजमेंट होना है. ओके, तो इसके लिए एबीएम पे तो ऐसा कुछ नहीं होता. ओके, बट अब ना यहाँ पे एमबीए इन जनरल, एक मुझे पहले एक चीज बताओ, तुम लोग मुझे क्या समझ, तुम लोग कैसे समझते हो कि मैं एक जगह 12 आंख कैसे रखूं? मैं एक बार ये समझा रहा हूँ, सर कॉल कब कर लूं, सर डाउट ग्रुप लिंक शेयर कर दो, सर मेन लिंक शेयर कर दो, सर मेरा पिन देख लो, कैसे कर सकता है, मतलब कोई इंसान ऐसा काम आओ कैसे कर सकता है? आओ एक दिन, एक दिन तुमको क्लास बैठाता हूँ, ठीक है, 5 लोगों से. तो तुमको फ्यूचर, तुम मुझे गॉड नहीं समझते हो, तो मुझे समझते हो बेवकूफ समझते हो, मुझे सर कुछ ही पूछे बता ही देंगे, ठीक है, रुक जाओ, ठीक है, थोड़ा पेशेंस रखो, यू बिहेव लाइक, तुम लोग प्रिपेयर कर रहे हो फ्यूचर मैनेजर्स ना, जिसकी सैलरी 2 लाख रुपए होगी, है ना, 2 लाख रुपए ऐसे ही कमाओगे, ऐसे ऐसे कर पैनिंग डोर रखे, बस आज ही 1 घंटा मेरे पास जिंदगी का है, अब रवि सर तो अब कल से मिलेंगे नहीं मुझे, शाम मिलेंगे, अभी फिर क्लास है, फिर रात में क्लास है, फिर कल स्पेशल क्लास लूंगा, मिलते रहता हूँ. ओके, तो मैनेजर, तुम लोग एमबीए मैनेजर, तुम लोग मैनेजर बनोगे कंपनीज में, वही 2 लाख रुपए चाहिए सर सैलरी, सर मेरे को मन नहीं कर रहा कुछ करने का, वही तुम लोग कहानी ऐसे नहीं होता ना, किसी से मिलोगे जो 2 लाख रुपए कमाएंगे तो उस पढ़ो तो उस मोमेंट पे, ठीक है. हाँ, तो ऑब्वियसली बात है. तो अब मैं क्या बोल रहा हूँ कि जैसे एमबीए इन जनरल मैनेजमेंट अगर तुम्हें करना है, तो अब तुमको आइडिया नहीं है, तो देखो जब तुम्हें आइडिया नहीं होता ना, कुछ बेसिक कोर्सेज जिसका तुमको आइडिया नहीं है, नो आइडिया कि मुझे किस स्ट्रीम में एमबीए करना है, तो ना सब कुछ का थोड़ा थोड़ा निकाल देना चाहिए. हाँ हर्ष, बिल्कुल ले सकते हैं, सब कुछ थोड़ा निकाल लेना चाहिए. ओके, सब कुछ का थोड़ा निकालने का मतलब बेसिकली क्या है? ओके, सो क्या मतलब, थोड़ा सा हैव एन आइडिया फॉर डिजिटल मार्केटिंग, एक डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स कर लो छोटा सा. ओके, थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट पे कोर्सेस कर लो एक दो, थोड़ा आइडिया ना, आइडिया होना चाहिए. तुमको कोई पूछे कि तुम एमबीए आता है, अच्छा निफ्टी क्या होता है, निफ्टी, निफ्टी नहीं पता निफ्टी क्या होता है, बट हाँ एमबीए मेरे को अच्छा, आई एम एमबीए फ्रॉम आई, ऐसे नहीं होगा ना, तुमको आइडिया होना चाहिए थोड़ा. ओके, तो एक डेटा मार्केटिंग कोर्स, एक इन्वेस्टमेंट का कोर्स, ठीक है, लिटिल बिट थोड़ा अपने आप को ये किया करो, अपडेट किया करो, आर्टिकल्स वगैरह पढ़ पढ़ के. ओके, ट्राई टू डू एक्सेल वगैरह कर लिया करो, काफी काम आता है एमबीए में. तो इन जनरल 3-4 कोर्सेस कर लिए, एक दो इंटर्नशिप कर ली, नॉर्मल इंटर्नशिप कर ली, राइट, नॉर्मल इंटर्नशिप विल डू दी जॉब, ठीक है, छोटे छोटे सारे, ये नहीं कि बहुत नॉर्मल इंटर्नशिप, मतलब 1 महीने का इंटर्नशिप, 1 महीने का इंटर्नशिप होता है 4-5 घंटे पर डे, ठीक है, इतना टाइम तुम्हारे पास है, सर इतना टाइम मेरे पास नहीं है, ट्रस्ट भी तुम्हारे पास इतना टाइम है, ठीक है, अगर तुम वेस्ट नहीं करोगे तो, राइट. एमबीए इन फाइनेंस किसी को करना है तो बेस्ट ऑप्शन इज सीएफए में इनरोल करना, सीएफए लेवल 1 कंप्लीट कर लेना या इनरोल कर लेना, ये बेस्ट ऑप्शन है, बट बेस्ट एंड एक्सपेंसिव, ये महंगा भी होता है, ठीक है,
अदरवाइज अगर ये नहीं करना तो तुमको क्लैरिटी है कि मेरे को कम्यूनिटी फाइनेंस करना है, तो जाओ यूडेमी या कोर्सेरा पे, गो टू यूडेमी, गो टू कोर्सेरा, है ना, इन साइट्स पे जाके फाइनेंशियल मॉडलिंग, छोटा कोर्स है 12-14 घंटे का, ठीक है, इन्वेस्टमेंट एंड स्टॉक्स, ठीक है, अबाउट शेयर मार्केट, शेयर्स, हाँ, ट्रेडिंग, इनके छोटे छोटे कोर्सेस कर लो 4-5, ओके, सब ऑनलाइन होता है, फाइन, इंटर्नशिप ऑनलाइन में आई डोंट थिंक, ओके, शेयर्स ट्रेडिंग वगैरह होते हैं, फाइन, इसके कोर्सेस कर लो, क्यों कहते हैं मेरे को मार्केटिंग में एमबीए करना है, को पता है श्योर मार्केटिंग में करना है, डिजिटल मार्केटिंग एकदम, एसईओ एकदम, एनालिटिक्स एकदम आना चाहिए, इसके कर लो कोर्सेस, ठीक है, बढ़िया, एमबीए ऑप्शंस करना है किसी को, सिक्स सिग्मा का येलो बेल्ट ले लो, काफी है, लेके फिनिश इट, या ग्रीन बेल्ट ले लो, सबसे बेसिक व्हाइट बेल्ट या ग्रीन बेल्ट कोई भी ले सकते हैं, सिक्स सिग्मा का ग्रीन बेल्ट ले लिया, काफी काम हो गया, ठीक है, देखोगे नेट पे जिसको करना है ऑप्शन वगैरह में, तो अगर इनको क्लैरिटी है थोड़ा सब कुछ आता है, फाइन, बाकी चीज वहां पे देख लेंगे बाद में जाके, ओके, तो ये तुम्हारा स्किलिंग का कोर्सेस हो गया, साथ में अगर तुम्हें लगता है हो गया बहुत छोटा कोर्स है, खत्म हो गया बहुत जल्दी, तो अगर ये सब बहुत जल्दी खत्म हो गया तो फिर क्या कर सकते हो, वन मंथ की इंटर्नशिप कर सकते हो, ठीक है, इंटू टू कर लो, तो 2 पॉइंट हो जाएगा एड करने के लिए, तो पूरे साल, अब अगले साल तक जब तक तुम फरवरी में इंटरव्यू दोगे अपना, तुमने 2-3 अपने स्किलिंग के कोर्सेस कर लिए, तुमने एक दो इंटर्नशिप ले लिया, सीएम सीधी अच्छा हो रहा है ना, इसका और मैं सेशन लूंगा, ठीक है, अल्टेका सेशन की सीवी कैसे बनाते हैं, मैं लेता हूं क्लास, अल्टेका पर सेशन की सीवी कैसे बनाते हैं, ओके, हाउ डू यू मेक अ सीवी, क्योंकि अभी मैं जब इंटरव्यूज वगैरह काफी सारे हम लोग लेते थे, लेता हूं, तो उसमें मैं देखता हूं कि सीवी अच्छा अच्छा सीवी बने, मैं एग्जांपल्स इधर और शेयर करूंगा, ओके, आई शेयर सैंपल सीवी टू ऑल ऑफ यू, देखो कंसल्टिंग, ये देखो तुम लोगों ने, बहुत लोगों को पता नहीं, कंसल्टिंग ऐसा कुछ नहीं, कंसल्टिंग के कोर्सेज आपको ना आईएम कॉलेज में जाके चूज करने पड़ते हैं, जब जाओगे जिस आईएम में वहां पे कंसल्टिंग के कोर्सेज होते हैं, तुमको सेकंड ईयर में पिक करना पड़ता है, राइट, तो अभी इतना लोड नहीं है कंसल्टिंग का, डोंट टेक लोड अबाउट इट, ठीक है, मैं तुमको बताता हूँ, अभी टाइम मेरे पास नहीं है गाइस, ठीक है, बताता हूँ मैं पार्ट टू, इसे लोग करेंगे टू बी कंटिन्यूड, है ना, बट इन द नेक्स्ट सेशन, ठीक है, इसको लो आगे भी कल या परसों करते हैं, कल करें 4 बजे, 4 बजे तो गुड टाइम चीजें करने के लिए, बताओ 4 बजे तो गुड टाइम, कल करें 4 बजे, बोलो यस और नो, यही सीवी पे, सीवी के ब्रैकेट, और भी कुछ पॉइंट बचा रह गया, सीवी पे कैसे बनाए, क्या क्या इसमें सम पॉइंट्स आर लेफ्ट, कुछ पॉइंट बचे हुए हैं, पॉइंट तुमको सीवी कैसे बनाना चाहिए, ठीक है, क्या क्या तुमको उसमें पॉइंट्स एड करने चाहिए, MBA में क्या रिलेवेंट चीज हेल्प करेंगे, MBA में क्या रिलेवेंट चीजें हेल्प करेंगे, ठीक है, और प्लस कुछ मैं तुम लोगों का डाउट ले सकता हूँ, क्योंकि बहुत सारे पिन नहीं देख पाया, आई कैन टेक योर डाउट्स, मैं डाउट ले सकता हूँ कल, ओके, तो कल करते हैं 4 बजे, है ना, ठीक है, टुमारो 4 PM, 4 PM टुमारो, मैं अभी लगा दूंगा क्लास, ठीक है, आई पुट अभी ऑन, अभी लगा दूंगा मैं क्लास, इनरोल कर लेना तो उसको तुमको नोटिफिकेशन आ जाएगा, ओके, एक आदमी पूछ लेना, ठीक है, अब ना पूछ लेगा, ठीक है, अब कभी वीकेंड भी कर लेंगे बाद में, अभी 4 बजे का फ्लो बना हुआ है, एक दिन कर लेते हैं, फाइन, ठीक है, हैंडआउट में क्या है, अच्छा हैंडआउट में कुछ ऑफर है, दैट इज फरवरी 10-15 तक के ऑफर चल रहे हैं, 20% फ्लैट ऑफ ऑन ऑल सब्सक्रिप्शन, 10% प्राइस हाइक हो रहा है फरवरी एंड से, और 6 मंथ का फ्री एक्सटेंशन, 12 मंथ पे 3 मंथ फ्री, एंड 18 मंथ पे 6 मंथ, तो ये हैट्रिक ऑफ ऑफर्स बोल रहे हैं इसको, यू कैन ज्वाइन दिस, यू कैन यूज माय रेफरल कोड रवि रोधा, ठीक है, आई मीन जब मैंने बैचेस स्टार्ट ही किए, सो आई हैव जस्ट स्टार्टेड माय ऑल द गैट, मैंने अपने कैट से स्टार्ट किया है सारे, ठीक है, सारे बैचेस मैंने स्टार्ट ही किए अभी, तो अभी हम लोग बीच में, हम लोग क्वांट में एथलेटिक पढ़ रहे हैं, क्वांट में हम लोग क्वांट में भी एथलेटिक पढ़ रहे हैं, मतलब हमने 3-4 टॉपिक खत्म कर लिया है, ठीक है, और LRDA में वही पढ़ रहे हैं, LRDA में क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग आज क्या क्लास है, गेम्स टूर्नामेंट्स, ठीक है, लोग इलाडी में लोग कर रहे हैं गेम्स टूर्नामेंट्स, ठीक है, तो अभी हमने कुछ सेट्स किए हैं, तो सेट्स मतलब इजी रिकॉर्डिंग, हमने बहुत हैवी टारगेट है, इतना जल्दी न्यू बैच नहीं कर पाएंगे, तो इलाडी हम लोग का 500 सेट का टारगेट है, ठीक है, तो टारगेटिंग 500 सेट्स, तो वी हैव जस्ट अराउंड, हमने करीब 25-30 सेट्स किए हैं अभी, ओके, तो कैन इजिली कैचअप, तुम आराम से इसको ज्वाइन कर कैचअप कर सकते हो, ओके, तो इलाडी बहुत न्यू बैच, तो मत सोचो अभी न्यू बैच, इतना फ्रीक्वेंट न्यू बैच करेंगे तो फिर
हम 5 मिनट सेट्स नहीं कर पाएंगे, तो 25-30 सेट्स के रिकॉर्डिंग अवेलेबल है, इसके रिकॉर्डिंग करके आप आराम से लाइव उसे पूरे साल कर सकते हो आराम से, ठीक है। बहुत सारे होता है मिडिल, ठीक है, बहुत सारे होता है, मैं बताऊंगा, कल बताता हूं मैं, ठीक है, 3-4 अच्छे, चलो ठीक है गाइस, सी यू, मिलते हैं कल 4 बजे, मिलते हैं स्पेशल क्लास में, ओके। और कल डाउट वर्क डाउट्स वगैरह भी ले लेंगे, कल बताता हूँ सीवी कैसे बनाएंगे, ओके। कल बाकी सारे और वीडियो बचेंगे आंसर करता हूँ, और फिर मिलेंगे। बैकलॉग क्लियर कैसे करें, पढ़ के मेहनत करके, तो बोलोगे इसका शॉर्टकट तो कुछ नहीं है ना, सबने लाइव क्लास किया है, तुमको बैकलॉग तो क्लियर करना पड़ेगा ना, ठीक है, सबने जो जो लोग पढ़े साथ में क्लास करेगा ना, यार तो खत्म कर लो 10 दिन, क्या कितना लगता है, 10-15 डेज लगता है यार, ठीक है, 30 सेट्स करने हैं, 2 सेट पर डे करोगे खत्म हो जाएगा 10-15 डेज में सारे बैकलॉग, एलआरडीए के सेम गोज फॉर क्वांट, ठीक है। चलो मिलते हैं गाइस, अभी हम लोग का प्लस क्लास लेट नहीं होना, हाँ ठीक है, लेट्स गो टू प्लस क्लास, बहुत लोग प्लस के भी होंगे यहाँ पे, लेट्स गो टू प्लस क्लास, ठीक है, गेम्स करेंगे, गेम्स टूर्नामेंट्स, कल बताता हूँ रिपीटर के लिए भी, ठीक है, मैं लेट हुआ हूँ, स्टार्ट करना है 5-7 से क्लास, ठीक है, चलो बाय, थैंक यू गाइस, टेक केयर, थैंक यू, मिलते हैं कल 4 बजे।